हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टैली ईआरपी 9 में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ इसी का। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में सेल इनवाइस कैसे बनाते हैं, अंडर जीएसटी जो जीएसटी वाली इनवाइस बनता है वो जीएसटी वाली इनवाइस कैसे बनाएंगे टैली ईआरपी 9 में। ठीक है, उससे चलते हैं, हम टैली खोलते हैं। टैली खुला है, पहले से हमारा टैली खुला हुआ है इसलिए इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें देखेंगे एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी है। ठीक है, जिसमें हमें सेल इनवाइस बनाना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली, इस बॉक्स को, पूरे बॉक्स को हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे ऊपर से तीसरे नंबर पर देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर पे हम लेके ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ सेल इनवाइस खुल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेल इनवाइस की जगह हमारा परचेज इनवाइस खुलता है, परचेज वाउचर खुलता है, तो हमें सेल वाउचर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम कीबोर्ड से F8 करें, या साइड में ये देखेंगे, यहाँ पर साइड में देखेंगे तो F8 सेल्स लिखा होता है, इस पर लेके माउस से कर्सर लेके उस पर क्लिक करेंगे तो सेल इनवाइस खुल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होता है, जैसे मान लीजिए सेल इनवाइस में जो इनवाइस नंबर होता है टैली में ऑटोमेटिक 1, 2, 3 वो ऑटोमेटिक लेता है, जैसे जैसे बिल बनाएंगे वैसे वैसे आपका इनवाइस नंबर बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल इनवाइस नंबर डालें तो उसके लिए हम अगले वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेल इनवाइस का जो इनवाइस नंबर होता है वो मैनुअल कैसे डालते हैं, वो अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक है, अभी हम ऑटोमेटिक रहने देते हैं और सेल इनवाइस बनाते हैं। ठीक है, अब आता है डेट, अभी कौन सी डेट का बिल बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, F2 ऊपर कीबोर्ड से F2 दबाएंगे तो आपका वाउचर डेट आ जाएगा। ठीक है, वाउचर डेट आने के बाद यहाँ पे आप जो जिस डेट का बिल बनाना है उस डेट का यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 3 अप्रैल का बिल बनाना है तो 3 अप्रैल 2021 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्टी के नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पार्टी कोई नई पार्टी है उसको अगर बनाना है तो यहाँ पे ओल्ड सी करके भी पार्टी के नाम यहाँ पर बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो अगर पार्टी का कोई बना है तो आप पार्टी के सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रंजीत इंटरप्राइजेज का नाम से एक पार्टी है जिसको हमें माल सेल करना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे किसके थ्रू भेजना है, मान लीजिए भाई ट्रक भेजना है तो यहाँ पर भाई व्हीकल भेजना है, या भाई बाइक भेजना है, उससे जैसे भी भेजना है आप उसको डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को भाई व्हीकल भेजना है, ठीक है, व्हीकल यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, भाई व्हीकल यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, डेस्टिनेशन डालेंगे, कौन सी एरिया में भेजना है, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन क्या है। तो मान लीजिए ये रामा रोड दिल्ली है, यहाँ पे रामा रोड दिल्ली कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है LR। अगर मान लीजिए गाड़ी का कोई जैसे LR मिलता है, जैसे किसी गाड़ी से हम भेजते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो उसका LR नंबर मिलता है, तो अगर LR नंबर है तो उस पर LR नंबर डाल दीजिए, उसका डेट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद इसको आगे सीधा इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है सेल्स। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए गुड्स है, अगर हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं, जैसे जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आइटम हम बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है, तो वो गुड्स अगर मान लीजिए हम सामान बेच रहे हैं, कोई माल बेच रहे हैं तो सेल्स गुड्स होगा। अगर मान लीजिए कोई सर्विस बेच रहे हैं तो वो गुड्स सेल्स सर्विस होगा। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या करना है, सेल्स गुड्स करना है। जैसे यहाँ पे तो सेल्स गुड्स के नाम से पहले लेजर बना हुआ, अगर नहीं बना होता तो यहीं पे आके ऑल्ट सी करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा, आप सेल का एक लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे सेल्स गुड्स का लेजर बना सकते हैं या सेल्स सर्विस का जो भी सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स गुड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या सेल करना है, कंप्यूटर मेरे को मान लो सेल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ तो कंप्यूटर का लेजर बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी करके एक लेजर बना सकते हैं या आइटम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लीजिए हमें कंप्यूटर सेल करना है तो कंप्यूटर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दो पीस कंप्यूटर सेल करना है, दो पीस डाल दिया, उसका रेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये टोटल आपका आ गया। अब इस पे मान लीजिए ये सेल जो है हमारे लोकल सेल है, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली हमें हमारी कंपनी और दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए लोकल सेल होगा। अगर मान लीजिए दिल्ली से हम किसी अदर, मान लीजिए दिल्ली में हम दिल्ली से बाहर मान लीजिए महाराष्ट्र में माल सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए सेंट्रल सेल होगा। ठीक है, तो जो लोकल सेल होता है, जो दिल्ली टू दिल्ली सेल होगा, उसमें CGST और SGST लगता है। ठीक है, और जो दिल्ली टू महाराष्ट्र सेल करेंगे वो सेंट्रल सेल होगा, उसमें IGST लगेगा। ठीक है, तो ये हम रंजीत इंटरप्राइजेज दिल्ली की पार्टी है, इसमें हम CGST लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास CGST और आउटपुट CGST और SGST का अगर लेजर बना है तो ठीक है, नहीं तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पे CGST और SGST का लेजर बना लेंगे। अभी हमने इसमें CGST का लेजर बना हुआ है, CGST 9%, अगर हमारा टैली जो कंप्यूटर है उसमें 9% टैक्स है तो उस पर CGST 9% और SGST 9% ऐसे करके लगेगा। ठीक है, CGST 9% कर लिया और आउटपुट
SGST 9%, मतलब ये आउटपुट CGST सेंट्रल 9% और SGST सेंट्रल SGST स्टेट ये हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, मतलब ये होता है जो लोकल सेल होता है CGST 9% आपको जो टैक्स होता है वो आपको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% जो होता है SGST वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और वह जो सेंट्रल सेल होता है उसमें जो सेल होता है टोटल का टोटल वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल सेल है CGST 9% और SGST 9% लगा के हमने इसको बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखेंगे ये हमारा इनवाइस बन गया। अब इनवाइस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले पर जाएंगे, डी पे डिस्प्ले, नीचे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद उसमें जाएंगे अकाउंट बुक, अकाउंट पर ऊपर से तीसरे नंबर पर देखेंगे अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कहाँ, सेल रजिस्टर में, सेल रजिस्टर को खोलेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा ये अप्रैल में 3 अप्रैल को रंजीत इंटरप्राइजेस इनवाइस नंबर 42480 का एक बिल बनेगा। अब इसको हमें प्रिंट आउट निकलना है, कैसे प्रिंट आउट लेंगे, तो यहाँ पर ऑल्ट पी करें, ऑल्ट पी, तो ये हमारा देखेंगे इनवाइस बन गया। ठीक है, अब इसको हम जूम करके बड़ा देख सकते हैं, ABC लिमिटेड कंपनी जो हमारी कंपनी है, ठीक है, इनवाइस नंबर 1 है, डेट ये हो गया, रंजीत इंटरप्राइजेज दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, बाई व्हीकल हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन उसकी जो रंजीत इंटरप्राइजेज की है वो रामा रोड दिल्ली है, LR नंबर ये है, जिस गाड़ी का भेज रहे हैं उस गाड़ी से जो कागज डॉक्यूमेंट मिलता है उसका LR नंबर ये हो गया, डेट हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर 2 पीस भेज रहे हैं उसका रेट हो गया, और CGST या SGST आपका ये टैक्स हो गया। ठीक है, ये टोटल इनवाइस की वैल्यू इतना हो गया, आपकी टैक्स SGST 3240 और SGST 3240 ये आपका दो टैक्स हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा टैली ERP 9 में सेल इनवाइस, जो अंडर GST के अंदर जो इनवाइस बनता है वो चीज़ रहा। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि अगर कुछ इसी तरह का कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको अगर जानना हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे को बताइए कि किसी तरह का कोई अगर मेरे को दिया लग रहा हो या किसी तरह गलत लग रहा हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।